हेलो एंड वेलकम टू पट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ एरोडायनामिक उस्मान और हम आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट की वही रोना धोना इज द ओनली वर्ड दैट कमिंग टू माइंड फिर से करने आए। तो हाल सेम थिंग फॉर द लास्ट 10 एपिसोड्स। एक तो ये वेल ओके इनफैक्ट आज का यही एक मौजू है सब मौजू, क्योंकि आखिरी चीज जो हुई है पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड, जब जो हमारा प्लान था उस वक्त एपिसोड करने का, और अब पाकिस्तान गालिबन इंग्लैंड से चंद T20s वगैरह खेलेगा, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप स्क्वाड्स वगैरह अनाउंस हो रहे हैं। तो उस सब में आई थिंक पहली चीज़ यही थी कि उस्मान से मैं कंप्लेन कर रहा था कि क्या एनालिसिस करें, वही 160-170 बनेंगे और जो है बाबर कहेगा कि 10 रन कम थे, 20 रन कम थे और बॉलर्स के ऊपर ब्लेम जाएगा वगैरह वगैरह। उसी के कुछ दिनों बाद एक किसी ने एक कंपाइलेशन भी निकाली जिसमें बाबर हर दफ़ा जो कह रहा है वी वर 10-20 शॉट, हम 10-20 रन कम रह गए थे, एंड देयर इज लाइक सो मेनी इंस्टेंसेस कि आप सोचते हो कि भाई तो तुम्हें तुम कुछ इसके बारे में कुछ करोगे नहीं क्या कि तुम ही कप्तान हो, तुम ही ओपनर हो, तो डू समथिंग अबाउट इट। दैट बीइंग सेड, और पाकिस्तान पहला मैच हार भी गया आयरलैंड से, मगर उसके बाद एक चीज मुझे हमारी वही डेटा नर्ड हसन चीमा ने याद दिलाई कि पाकिस्तान अभी भी इज अ रियली रियली गुड चेजिंग साइड इन T20s, और क्या कहते हैं कि उसी के बाद पाकिस्तान ने अगले दो मैचेस जीत भी लिए, और उसका मुझे ये ख्याल हो रहा था क्योंकि जैसे मुझे जब ये फैक्ट बताया भी गया था, लास्ट थिंग आई थॉट ऑफ वाज लाइक द वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट इंडिया लास्ट ईयर, व्हिच ऑफ कोर्स वाज अ डिफरेंट फॉर्मेट, और उस वक्त मुझे अंदाजा होने लगा कि हमारे इतने कलेक्टिव ट्रॉमाज हैं चेजिंग के कि अभी भी इसमें हम फंसे हुए हैं। सो दैट्स वन ऑफ द मेनी थिंग्स वेयर इवन पीपल लाइक अस आर बीइंग अनफेयर टू द टीम, क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में तो ये था क्या एनालिसिस करें, बट एक बड़ी वाजे बात है कि जब पाकिस्तान चेज कर रहा है इवन नाउ इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। अभी टॉकिंग अबाउट T20s, स्ट्रिक्टली T20s, वेरी वेरी स्ट्रिक्टली T20s। हां, आई मीन यू नो देयर आर टीम्स सेट अप फॉर चेसिंग, ये हमेशा से कब से पाकिस्तान की बैटिंग की यही एक आइडेंटिटी है, दिस लाइनअप एट लीस्ट इज दैट दे नो एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट चेस। आई वुड स्टिल से कि अगर आपके यू नो आपकी चेस अगर 210 प्लस है तो शायद द माइट काइंड ऑफ दैट माइट बी अ बिट मोर नर्व रैकिंग, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी वो एक दिन नहीं आया है जो 210, 220, 230 रेगुलर स्कोर्स हो गए, यू नो दैट स्टिल लाइक आई थिंक इट्स स्टिल If we're going to reach it, it's still not going to be now. Is T20 World Cup mein nahi hoga. Lekin, kind of also the point is that you don't just need to be a good chasing side, right? Surely, aapki T20 mein batting aapki aisi honi chahiye, which should be able to work in both kind of situations. Ke aap set kar rahe hain target. Aur problem is not just that they struggle with the setting a target. It's the disparity. I think isi cheez pe tum touch karo. The disparity jo hai na. Being such a good chasing side to being such an ordinary side when they're setting targets. Like, Abhi, you know, the perfect example of that was against Ireland. Like, the game they batted first in, they lost. They got chased down because they set themselves too low a target. Wo 170, 182, I think, bane the pehle game mein. Magar jo doosri ki do games mein jo chase kara hai, usme they chased it down. Like, and they chased it down well. And, you know, thank the Lord, 2024 mein Azam Khan has played a couple of innings, finishing innings in T20s to like kind of at least keep himself in the conversation for this World Cup and keep himself in the conversation to be in that side. Because, you know, agar, I mean, yeah, him and ab bas hume sirf ye chahiye ki Sahib Ayub bhi kahin se kuch ek khatarnak kisam ki innings khel le, and you know, he adds something to that order. But yeah, like a great chasing side, but I feel like ke, jitne wo ordinary hain in setting targets, I just think it balances it out. And so you become ultimately the side that is now Pakistan. I can't like, kind of, mujhe mushkil hota hai to separate the two. I think like two things I wanted to kind of touch upon, which is ek ke
एक आई थिंक लाइक सिर्फ पाकिस्तान इसमें अकेला नहीं है, राइट? लाइक आई फील कि बहुत अरसे से एक ये सवाल उठ रहा है, खास तौर पे T20s पे, कि आपका लाइक अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट यकीनन चेज करेंगे, खास तौर पे क्योंकि बहुत सारे T20 गेम्स रात के वक्त होते हैं, बहुत सारे खास तौर पे एशिया में ड्यू का फैक्टर आ जाता है उसकी वजह से, दैट मेक्स इट इवन ईजियर टू चेज. सो इन दैट सेंस आई मीन यू गेट दैट फीलिंग दैट इवन रियली रियली एक्सलेंट बैटिंग साइड्स जब उनको टारगेट सेट करना पड़ता है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज लाइक T20s में कुछ भी चेज हो जाता है लाइक ऑलमोस्ट, मतलब दैट इज वन ऑफ द वेज द गेम इज डिफरेंट. तो एक तो ये है कि आई थिंक आप पाकिस्तान को अकेला नहीं कह सकते, बट द सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्टेड यू टू टॉक अबाउट डिटेल, क्योंकि तुमने और टेडी ने एक ग्रुप पे कुछ दिनों पहले बात की थी, एंड फ्रेंकली आई वॉज अ बिट कॉट आउट बाई इट. रेहान वॉज ऑल्सो सेइंग दिस, बेसिकली ट्रेडिशनली वी टॉक अबाउट व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल, वेयर यू हैव टू व्हाइट बॉल फॉर्मैट्स एंड यू हैव अ रेड बॉल फॉर्मैट, ऑब्वियसली दैट्स टेस्ट क्रिकेट एंड वर्सेस T20s एंड ODIs. मगर टिटी ये बात कर रहा था, न्यू गाइज वर एग्रीइंग के हेलो से कि जो है आपका जो कोच है वो T20 का अलग होना चाहिए और टेस्ट और ODIs का अलग होना चाहिए, एज इन लाइक यू हैव द सेम गाई डूइंग 50 ओवर एंड 5 डे क्रिकेट एंड अ डिफरेंट गाई डूइंग 20 ओवर क्रिकेट. दैट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज इंस्टिंक्टिवली क्लियर टू मी अंटिल यू गाइज एक्सप्लेन इट, सो मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट ओवर हियर एज वेल, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा और हमें समझ आएगा कि व्हाई T20s आर सच एन एनोमली. हाँ, वो अभी किसी ने करा नहीं है ये. नो नो साइड हैज डन इट. यू नो, पाकिस्तान हैव बीन क्वाइट रेडिकल, आई थिंक, फॉर पाकिस्तान इन अपॉइंटिंग सेपरेट व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल कोचेस, बट आई डोंट थिंक एनीबडी हैज गॉन दैट वे येट कि आप टेस्ट और ODI का एक कोच रखें और फिर T20s का अलग रखें. एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज ODIs एक जमाने में, आई थिंक इन द लास्ट वर्ल्ड कप साइकिल बिफोर दिस वन, सो 2015 से जो 2019 की साइकिल थी उसमें लग रहा था कि ODI इज इंक्रीजिंगली आर गोइंग, स्पेशली द बैटिंग इज गोइंग द वे ऑफ T20s. 400 तो ऐसे ही बन रहे थे, इंग्लैंड वर हिटिंग 400 एवरी अदर डे, एंड अदर साइड्स वर आल्सो चेसिंग डाउन बिग स्कोर्स एंड स्टफ. तो इट वॉज लुकिंग लाइक इट वॉज गोइंग दैट वे, बट आई थिंक दैट वॉज पार्टली बिकॉज एक तो बहुत ODI क्रिकेट खेली गई उस साइकिल में, and ODI and T20 leagues were growing in that period still. But then from 2019 to 2023, because of the pandemic and stuff, ODIs achanak se gire hain. Like, the Super League eventually got scrapped. ODIs, the number of bilateral ODIs people were playing fell. And also, it became clear ke geographic differences hain. Aap jahan ODI khelte hain. And so, in the World Cup, It kind of proved, everyone was thinking, yeah, World Cup mein, will they again be like 400, 450? I remember England ka jo white ball analyst, Nathan Lehman, who's like quite a revolutionary guy in terms of like, the way he's changed the game for England. Aur wo kab se karte va raha hai? Red ball se bhi kar raha hai, usne white ball. Ab I think he's exclusively white ball now. He had written a piece for us actually before this, before the World Cup, in which he was saying, ke, like nobody's sure which way it's going to go. And his theory was that given the difference in pitches in India, given the fact that logo ne ODIs kam kheli thi pichle cycle mein, it might go back to being more traditional ODI stroke, almost test match kind of cricket, where you will have periods where aapki batting thodi struggle karegi and you will have to kind of, it will reinforce everything that is more test cricket about ODI cricket than what is T20. And ODI is like, ODI should be a great format because they really should sit in the middle of T20. You have T20 skills on display, but you also have a longer platform. Ek novel or a short reel ke darmiyan agar kuch hai, to wo ODI cricket aata hai. Ek taraf aapki test hai, jo novel ban ke chal rahi hai, ya art house cinema, ek taraf aapki reel hai T20 ki, magar beech mein jo ODI aata hai, it's absolutely perfect, but I think jo ethos abhi tak ODIs ki hai na, that you will need at some point you will need to be able to like rebuild an innings, just take a little bit of time, not too much time. You still want to be going at 6 or 7 and over in the middle overs ideally, but I feel like ODIs, because thoda sa ab jitna bhi cricket ko khichte ho na, jitna bhi aap super format ko khichte ho, you go back to testing your basic kind of skills that you mostly pick up in longer form cricket.
So that way, to me, it does make sense if you have the same coach for ODIs and test matches, because I think ODIs still kind of take more from tests than they do from T20s, I think you and I are agreed, is a different sport altogether. It's not, and I think we should let it grow the different sport. I feel ye ek esoteric debate to hai, which we can maybe do another day. Yehi baat main karna chahta hai ke, kyunki khas taur pe, you know, the last few years, agar hum log ODIs ko ek mukhtalif nazar se dekh rahe ho, T20s ko aur zyada tar mein andaza ho raha hai ki ye kitna mukhtalif format hai aur iske bare mein kitni mukhtalif soch lani padegi, to wahin pe phir jo hamari I think standard guftugu hai Pakistan cricket ke bare mein, I think us pe ek nuance ye aata hai ki that usually, let me first recount what the standard is, ke oh, Babar aur Rizwan ko ek saath upar nahi hona chahiye, we have too many anchors. I think ye bhi jo the kya kehte hain, Arsala and Hamza, the two guys who had been helping us with data, unme se ek ne had written this article about like how Pakistan needs to be more efficient in its T20 batting, ke jo aapke sabse zyada impact, matlab you know, highest strike rate or highest boundary per balls type khiladi hain, unko aap zyada balls nahi khelne ko, which were Azam Khan and Shadab and wagaira wagaira. तो वो कह रहे थे कि आप अपना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख लें ऑर्डर, और यू नो हिटर्स लाइक ऊपर एक एंकर, बीच में एक एंकर रख लें. आई डोंट वांट टू मिस कोट, बट आई फील दिस वाज़ ऑल टेक इट. पॉइंट यही है कि अभी भी जो हमारी जो डिस्कशन होती रहती है कि यू नो वी आर टू मेनी एंकर्स, वी आर नॉट गोइंग फॉर बिग इनफ टोटल्स, वी आर नॉट, हमारा पार ही हम लोग 170 180 पे रख रहे हैं. जो एक बात जाहिर हो गई है कि ये मसला हमारे पहले बैटिंग करने में, जब पाकिस्तान टारगेट चेस कर रहा है, as we've noticed, it just that kind of clicks into gear, and that to an extent, you know, as we said, it's not just Pakistan. तो वहां पर मुझे एक और भी बात होने लगी थी कि even within T20s, batting first versus batting second necessitates a lot of changes. And for a team like Pakistan, जो प्रोएक्टिव नहीं खेल रही, I think फिर बहुत आराम से आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, लाइक यू नो कि इफ यू नॉट विनिंग द टॉस एंड यू नॉट चूजिंग टू चेज, इट्स क्वाइट इजी फॉर मोस्ट टीम्स टू बीट पाकिस्तान द वे दे आर सेट अप. एंड आई थिंक दैट मे बी इज द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इज वेल, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि रिसोर्सेज मौजूद हैं, टैलेंट वगैरह जो कुछ भी है वो मौजूद है, बट वो क्योंकि उस तरीके से कभी डिप्लॉय नहीं होता है, तो हम वही घिसी पेटी कहानियां के ओ शाहीन को डेथ में एक ओवर में 17 क्यों पड़ गए, बिकॉज इट्स द डेथ मैन, एवरीवन गेट्स हिट आउट इन दोज ओवर्स. यू रियली कांट बी लेजिस्लेटिंग योर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हाउ इकोनॉमिकल योर डेथ बॉलर्स वर. यू कांट बेस इट ऑन कि जी उसने 50 तो मार दी, बाकी क्यों मर गए, क्योंकि अगेन लाइक आई थिंक एक मेट्रिक जो क्रिकेट में कम इस्तेमाल होता है, बट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, इज एफिशिएंसी, राइट? एंड T20s में efficiency बहुत ज़्यादा matter करती है, in the way that it doesn't in the longer formats. और efficiency मेरे यही मुराद के आप मतलब कितनी resources which are balls इस्तेमाल कर रहे हैं to get the maximum number of output which are runs. और you know Pakistan का यही batting में अक्सर मसला होता है, खासतौर में middle overs में it gets extremely inefficient. और ये सब कुछ पहले batting करते हैं, तो मुझे जो डर है कि I just don't think there's any which way other than like quirks of narrative fate, जिसमें पाकिस्तान और खास तौर पे बाबर आजम की कप्तानी में, मगर शायद औरों की भी की क़यादत में, will take be proactive enough कि हम पहली बैटिंग करते हुए. It's not a quirk. It's not a narrative quirk. It's simply that आप जितना भी गेम को कंप्रेस करते हो ना, you make it like T20 or T10. Fortune and luck starts playing a bigger role. It's simple as that. Like, you know, Pakistan, jo last tournament mein World Cup final mein pahuncha tha, great performance, but, you know, they needed basically luck for the Netherlands to beat South Africa. That's, you know, 9 times out of 10, that doesn't happen. The one time it happened at a World Cup in which it benefited Pakistan. Wo catch pakad liya Rolf van der Merwe ne, like an outstanding, one of the all-time catches he took out in the deep, swirling over his own head. That kind of stuff doesn't happen, right? That's luck. And T20 is a game where, because aapki format ki shrink ho jati hai, luck ka bahut outsized role ho jata hai. You know, aapne ek hit mari, wo outside edge lag gaya, wo chala gaya chauke ke liye. Ek ki inside edge lagi, but fine leg,
kind of slips but stops it. Do run ka fark ho gaya, do run se aap jeet gaya. You know, these kind of things make a real big difference. And the longer you stretch out the game, the more actually your quality and your efficiencies actually prove beneficial. Your point about efficiency is correct in that jaise abhi IPL jo chal raha hai, usme aap four teams jo qualify kar rahi hain for you know, the playoffs, and the top five teams in the table out of 10, it's no coincidence that they are the top six hitting teams in that tournament. And the lowest six hitting teams are actually the bottom five on rankings. So, you know, these kind of things, you need to take those chances. Over a longer term, over a longer stretch, these things will make a difference. And, you know, this is a more basic kind of debate. Ye hai isme ki yaar, T20 bilaterals, international bilaterals, I would argue even the T20 World Cup is not the apex form of the T20. Wo bahut bahut piche reh gaya hai. You know, T20, hum log itni importance dete hain, hum log baat karte hain ki yaar T20 international, Ireland ko hara diya, aise hara diya. It's simply not the best form of the game. The highest quality form of the game is now taking place in leagues, where, you know, where all the advancements are happening, where innovations are coming, where new things are being tried out, where the best players are playing in the best sides together. Jo sahi T20 cricket hai na, wo wahan ho rahi hai, wo T20 international mein nahi ho rahi hai. So it becomes weird to kind of, you know, when you talk about Pakistan being set up as a team, is tarah ki setup hai. Actually, Pakistan se behtar aap examples dekhein PSL mein, Islamabad United kis tarah ki team hai. Lahore Qalandars ki title winning teams kis tarah ki teams thi. You know, those kind of things are actually probably more important of how a T20 and how the format should be judged. So, you know, I just find it weird, and sometimes I can't get over it, okay? T20 World Cup, it's not the apex tournament of the format. It's really not. I think uska ek bada aasan analogy agar aap dhoonde to wo football mein mil jati hai na, ke at least pichle 30 saal se, or maybe longer, probably longer, ke the World Cup of football is not where you're seeing the best sides. You're not even seeing any fresh tactics. Like ek zamana tha bahut bahut pehle jahan har World Cup mein ya har kuch World Cups baad jo ek koi aisi nayi team aa rahi thi jo ek tactical innovation laayi thi, aur kyunki wo maybe unki leagues mein develop hua tha, but मीडिया इतना था नहीं, इतनी एक्सेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था. वर्ल्ड कप पे उन्होंने वो दिखाया और उसके बाद फिर एक स्टाइलिस्टिक चेंज पूरी गेम में आया. वो होना बहुत अरसे से बंद हो चुका है. एंड सो आई फील लाइक, यू नो, T20 वर्ल्ड कप इज प्रीटी मच 1-1 दैट वे, कि उसके साथ एक प्रेस्टीज एसोसिएटेड है क्योंकि आपकी कौमी टीम खेल रही है और यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा. बट अल्टीमेटली क्योंकि वो फ्री मार्केट के रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, it can't give you that sort of product, for lack of better term, jo aapko league se milti hai, aur wahi I think franchise cricket mein bhi T20 cricket mein samne nazar aa raha hai, right? Ke you're not going to see the best teams or the newest tactics or the kind of ideal setups, right, in the T20 World Cup. And that's part of the fun as well, ke okay, you know, like Hardik and Rohit or whatever wo franchise mein aise khel rahe hain, agar team national team mein kaise khelenge, etc. But yeah, I think there is no such parallel for first class, for tests and ODIs, but which is why that's a completely different kind of situation. But in T20s, I think ye to almost by the second or third T20 World Cup, this had become true. I think agar aap chalein 2012 tak le lein, that by that time the IPL was very much established as the apex, if not earlier. But ha, bilkul, I think it just, kyunki ye hum log isliye guftugu kar rahe hain kyunki ab ek T20 World Cup aane laga hai aur usme Pakistan ka squad abhi tak finalized nahi hua hai. But I think yesterday you had shared a meme only, which was comparing Saim to Haider Ali. वही है कि मतलब ना कि आपको पता ये गलत है, और एट मे बी अ यंगर एज ट्विटर पे जाके फटने भी करते हैं, बट द पॉइंट इज दैट यू नो दैट अगर ये मीम्स आना शुरू हो गई है तो ये, यू नो, द चैटर हैज स्टार्टेड. और हैदर अली, लाइक, यू नो, अगर कोई और कोई चुनता, लाइक आई फील लाइक दैट उमर अकमल जनरेशन या तो वो तो था कि वो सभी
मतलब वो पूरा एरा ही जाया हो गया, तो आप क्या कह सकते हैं. बट हैदर अली कमिंग फ्रॉम द PSL एंड लुकिंग द वे ही लुक्स, एंड इवन दिस सीजन स्पोरैडिकली व्हेन ही टर्न्ड इट ऑन फॉर नो इस इस्लामाबाद कमबैक वाज, सीजन मैन, इस कमबैक या सीजन दिस सीजन, तो हैदर अली का फुल कमबैक सीजन था। बट वही था कि मतलब यू नो ही वाज स्टिल कमिंग इन लोअर डाउन द ऑर्डर. मतलब जो आई फील मैंने जब पहली दफा देखा था मुझे तो लाइक यू नो आई वाज थिंकिंग लाइक कोहली और समथिंग, एंड ही स्टिल आई लव द प्लेयर, ही इज वेरी वेरी गुड, बट या लाइक ही स्टिल काइंड ऑफ लॉस्ट हिज वे फॉर अ बिट. वेरी हैप्पी टू हैव हिम एट इस्लामाबाद, मगर साइम ऑब्वियसली उस सिचुएशन में फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं है. CPL का प्लेयर तो टूर्नामेंट रह चुका है, हैज बीन वेरी गुड विद जलमी एज वेल, बट इंटरनेशनल क्रिकेट पे यू नो लाइक यू नो दैट स्पेशली इन पाकिस्तान के अगर वो नहीं कोई स्टूपिड किस्म की 50 या कुछ मारेगा तो वो तो मतलब यू नो You know, कुत्तों खिला at दिया this जाएगा. point, Saim, like, look, you and I and most people, I think we know, are like, it's a no-brainer. Saim has to play. Yeah, उसे आप वर्ल्ड कप आप ले जाना लाजमी. And I think actually for once, it sounds like Babar is in his camp. Babar is quite keen on keeping Saim in the 11 and keeping him the side where he plays him, whether it's a one down or as opener still, that might be open to question. But I think he's still keen on having him in the team. But for once, you know, as bad and as regressive as this sounds, I wouldn't mind, man, if Saim went out and scored like 55 or 40 or 55 or 45 just to get a bloody 50 there. Because you know the selectors are like, yaar, chalo, usne 50 mari, aise rakh lo. You know? Because Pakistani selectors are like sometimes such simple, like some simple people to please, right? You just need to show them like a 50. Haan, dekho, yaar, isne 52, chahe usne, you know, 45 बॉल पे मारी हो या 50 बॉल पे भी मारी हो ना, बस 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट की उसने 50 मारी हो तो बस ठीक है यार. इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी इंग्लैंड में यार बॉल स्विंग हो रही थी, बड़ी टेक्निक दिखाई उसने. दैट्स ऑल यू नीड. सो साइम प्लीज, खुदा के वास्ते यार, बस एक एक 50 इन 4 मैचेस में मार दो ताकि तुम्हारी कैरेबियन ट्रिप पक्की हो जाए. दैट्स ऑल वी वांट फ्रॉम हिम. आई फील और होगा ये कि 50 मारेगा नहीं, बट वो लाइक 5 बॉलों पे 22 बना के आउट हो जाएगा और वो हम सब पागल हो रहे होंगे कि ओ भाई वो कवर ड्राइव, वो कट, वो पुल, एंड या लाइक क्या कहते हैं कि उसके आगे हमें कुछ कह नहीं सकते. एंड वही फिर आपको बात वही अंदाजा होता है कि क्यों हम हर वक्त कहते रहते हैं कि T20 मुख्तलिफ स्पोर्ट है वगैरह. उसकी सबसे सिंपल यही है कि 50s एंड इवन 100s एंड 5-4s जो एक ट्रेडिशनल मार्क रहा है क्वालिटी का, एंड यू नो लाइक विद बोथ T20s एंड ODIs, लाइक इवन इन ODIs आई थिंक 5-4s आर अ बिट अनफेयर टू रेडी, जो आपके पास 10 ही ओवर हैं, आप उसमें 5 विकेट लेना बहुत ही अनलाइकली है, बट आप उसी पैरामीटर से सोच रहे होते हैं. और ठीक है वनडे पे आपने बिठा दिया, बट T20 में लाइक जैसे कि 100 है, आई थिंक अ गुड 5 टाइम्स आउट ऑफ 10 100 इफ इट्स अ रियली इजी पिच एंड एट द 100 इज नॉट बिन स्कोर्ड एट फास्ट इनफ रेट, दैट कैन एक्चुअली लूज यू द गेम. यू नो खास तौर पे जो होता है कि बंदा कोई 80 बना लेता है 40 बॉलों पे और फिर वो दस बॉलें 20 बॉलें जाया करता है 100 पहुंचने के लिए, इन दोज मोमेंट लाइक दोज ओवर्स वो बॉलें लूज करना कैन प्रॉब्ली कॉस्ट यू द गेम. अगेन लाइक 50s डोंट रियली कैरी अ लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज 50s आर यू नो वो T20 में दे सो डिफरेंट. यू कैन गेट देयर ऑफ 16 बॉल्स, यू कैन गेट देयर ऑफ 40 बॉल्स, एंड दैट डिडंट मेक अ ह्यूज आई मीन, डिफरेंस. इट्स नो सरप्राइज कि पाकिस्तान में पब्लिकली सिर्फ और सिर्फ जो मुझे याद है पिछले 4-5 महीनों में सिर्फ आई थिंक शादाब ने पब्लिकली कहा है कि देखिए, इनिंग्स रन्स की वैल्यू तो आप नहीं देखी जाती है, अब आपका इम्पैक्ट देखा जाता है, आपने क्या इम्पैक्ट करा है. यू नो, सो 25 ऑफ 10 इज 1,000 टाइम्स बेटर देन 50 ऑफ 40. You know, it's as simple as that. 25 of like what Azam Khan did in the last 2 matches against Ireland, those are way more important than anything that, you know, I would say that they're important than a lot of innings like somebody like Rizwan plays. You know, जो 60 of 47 या 60 of 50 जो बन जाती है, like Azam comes in and makes 30 of 10. That's, you know, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है आपको. आई मीन आई से रिजवान इज प्रॉब्ली नॉट अ फेयर कंपैरिजन. आपको इम्पैक्ट देखना है हर गेम का, आपको इम्पैक्ट देखना है. सो यू नो, क्रिक इन्फो मेजर्स इम्पैक्ट नाउ, ऑल एनालिस्ट नाउ मेजर इम्पैक्ट ऑफ प्लेयर्स इन व्हाट दे डू ऑन द फील्ड, एंड इम्पैक्ट इज नॉट एनी मोर मेजर्ड बाय
इसका अच्छा इसका एवरेज ये था इसकी स्ट्राइक रेट ये थी. इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल एज दैट. इट्स वेयर दे कम इन हु दे टुक ऑन हाउ दे चेंज द पोजीशन हाउ दे इंपैक्टेड द पोजीशन ऑफ द मैच एंड दैट्स लाइक अ स्लाइटली मोर नुएंस्ड मेजरिंग ऑफ यू नो द वैल्यू ऑफ प्लेयर. तो आई थिंक पाकिस्तान में जब तक आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि इस प्लेयर का इंपैक्ट क्या है देन यू नो यू आर गोइंग टू सक. बट द गुड थिंग एक्चुअली हाउ आर वी मेजरिंग सो लेट्स जस्ट गेट डाउन टू दिस लाइक इंपैक्ट को इज देयर अ जिस तरीके से स्ट्राइक रेट का एक दे मेजर इट इन डिफरेंट वेज डिफरेंट एनालिस्ट मेजर इंपैक्ट इन डिफरेंट वेज बट जनरली इट टेक्स इनटू अकाउंट द बोलिंग यू आर अप अगेंस्ट द पॉइंट इन द मैच दैट यू कम इन एट stuff like dot balls and stuff that you play, boundary hitting, it takes in a variety of comparative and real-time stats to kind of give you one final impact score at the end of it. This is what everyone does. Yeah, hamari ek alag impact score hoti hai, but I think most analysts I think would probably go by a similar score. I don't know whether Cricinfo's impact scores have been adopted across the industry. I'm not 100% sure, but you know they are generally smarter stats. We introduced them first into the world by calling them smarter stats because they just took into account the fact that ek to T20 alag hoti hai aur real time stats ek alag tarike se aapko measure karni aur dekhni chahiye assess karni chahiye alag se. Nee, I think smarter it is like I understand there's a conflict of interest in you calling it smarter magar I don't think ye koi bahut badi baat hai kyunki you know, everyone's seen the Brad Pitt movie. They were called smart stats when they were first introduced. Mera maksad ye tha, branded it as smart stats when they first came out because we were like, these are the smarter stats, you know. You are supposed to value, right? और उसकी एक चीज मुझे क्रिकेट में अभी भी फील होती है बहुत सारी टीमों को नहीं समझ आई. I've talked about this on the podcast many times as well. के you know when West Indies beat India in the semi-final in 2014 World T20 के that was when जिस तरीके से basketball में once they realized कि actually going for three points or going for layups is the only thing you should be doing. या तो confirm two point हो वरना it's better to go for three. उसी तरीके से क्रिकेट पे के यू नो गोइंग फॉर अ सिक्स इज अ होल लॉट बेटर देन गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस यू नो सो दैट स्टिल इजंट समथिंग जो क्रिकेट पूरी तरह एक्सेप्ट करना चाहता है क्योंकि यू नो लाइक द आइडिया के 10 बंदे आ रहे हैं जो सिर्फ हर ओवर में या तो वो टुक करेंगे या छक्का मारेंगे माइट प्रोबेबली बी द बेस्ट वे टू गो बट वो अभी भी क्रिकेट की एक और नॉट जस्ट क्रिकेट सो मेनी स्पोर्ट्स हैव देयर ओल्ड वेज दैट दे डोंट वांट टू अबैंडन जस्ट येट. और उसी तरीके में मतलब जब आप you know ki ye impact plays or whatever measure kar rahe hain so you're breaking out of those old truisms jo ab cricket ke bare mein sach nahi. Ek jo mere khayal mein aur formats mein ho ya na ho magar T20 mein bahut zaruri hai use accept karna because then you'll start looking at contributions differently is that there's no like I think balance between bat and ball inherent to T20s right like अनलेस बहुत ज़्यादा कंडीशंस इम्पैक्ट करती हैं अब जो इक्विपमेंट और कंडीशन लाइक यू नो रूल्स एंड स्किल सेट हैं इट्स नॉट मेंट टू बी लाइक यू नो द रूल्स आर नॉट गोइंग दैट वे द ग्राउंड्स और द इक्विपमेंट और एनीथिंग इज नॉट गोइंग दैट वे लाइक इट्स वेरी क्वाइट यू नो सो एक्सपेक्टिंग कि अगर लाइक जैसे कि अभी भी आई थिंक इंस्टिंक्टिवली के समवन गोइंग ओवर रन अ बॉल इज जस्ट काइंड ऑफ लाइक like you know oh चार ओवर में 14 रन दिए ये होती है बॉलिंग ये वो like probably like that's only possible for a spinner in the middle overs right like you can't be looking at fast bowlers for example with those kinds of lenses you and again like death versus first power play usme hi itna fark hota hai even though technically dono mein the batters are going all out magar you know you end up having very different kind of results so And मतलब you know कि what's a good ball के अभी भी के जी सारी yorker क्यों नहीं कराते सारी bowling yorker क्यों नहीं कराते versus someone attempting like you know जैसे I think Amir is a very very clever T20 bowler but a lot of his bowling even you and I are just like you know so this is such a great segue because I spoke to Amir over the weekend. Wait, don't get into the Amir part first. मैं ये सिर्फ कहना चाहता था कि आमिर की बॉलिंग अब आप देखते ना ये मैं एनालॉजी नोइंग दैट उस्मान एंड माय वाइफ आर बोथ दिस
इट्स लाइक वॉचिंग यू नो कि वेजिटेरियन बॉलिंग करा रहा है. हाँ ठीक है, इट्स गुड फॉर यू, आई शुड लाइक हैव इट यू नो फाइव अ डे, इट मेक मी लिव लॉन्गर, बट इट्स जस्ट लाइक ओह आई कांट वॉच दिस. सो या please talk to us about how you spoke to Amir, a vegetarian bowler with a vegetarian reporter. Man, that's slander, huh? That's outright like slander, okay? Vegetarian cooking, vegetarian food is like delicious, okay? It's like it the is, best of Vidi, Imran Khan cooking at all. Yeah. But, okay, so anyway, I spoke to Amir this weekend and it was really interesting. And, you know, I got to thinking, because I'm writing a piece on him, and I got to thinking the exact same thing that we're talking about. You know, meri aur tumhari jo yaad hai, Amir ki jo yaad hai, wo uski swing, stumps ko rattle kar raha hai, bachcha sa hai, baal uske zabardast, pace bhi hai acha. And actually, I think Amir at heart, and, you know, having researched his life story heavily for that long form that I did a few years back on him, I think Amir was always the kind of bowler that we see now. He was always that. Because, you know, he grew up in that environment. Uski jo pehli jo learnings thi tape ball matches mein, badi cutthroat kisam ki situations mein wo khelta tha apne school ke liye aur phir apni apne mohalle ki team ke liye. Uska jo pehla sabse bada ek informal test tha wo Billa, kya naam hai, Billa Tennis, the tape ball legend, uske khilaaf tha. In which, you know, somebody said to him ke ye Billa, agar tum iske ball iske ek over mein tum do chhakke maar dao na to tumhare aur tumhari puri team ka khana hum khilayenge tumhe pindi jaake, you know. So like this is like T20s, like, you know, you have to save, you have to not concede more than two boundaries in this, and he was doing this as a 12-year-old, you know. So in many ways what we see now is actually the true Amir that you see. And really interesting that, like, talking to him about it, and you know, I won't reveal what the story is right now, but he has always, I think he was actually born for T20s in the way that he thinks about bowling. Bahut hi tez. We've always known that he's really smart, right, as a bowler. He is super, super sharp. And when you talk to him about the game, he's super sharp. He was deconstructing a couple of overs. We talked about, like, old overs that he had bowled. We were deconstructing that. He remembered it. Even now, the way he was talking about T20 bowling, main keh raha tha ki yaar aapko kya maza aata hai T20 bowling mein, like, you know, there's nothing in it for the bowlers. Like, and he's saying ki haan, dekho, short boundaries aa gayi hain, balle bhari ho gaye hain, flat wickets bhi bahut flat hain, aapko maximum aapko ek over power play mein milta hai jisme aap kuch bhi kar sakte hain. But he said ki I still believe ki it's basically still meri jo strength hai वो है द बॉल कमिंग इन टू द राइट हैंडर अर्ली ऑन. ही सेइंग कि मेरी ये स्ट्रेंथ है कि मेरी बॉल इन स्विंग होती है राइट हैंडर के खिलाफ. अगर उस राइट हैंडर का मैं डेटा चेक करता हूं, मैं देखता हूं कि वो उसकी भी स्ट्रेंथ है कि वो इन स्विंगिंग बॉल को मारता है. इट्स रियली इंटरेस्टिंग. ही सेज दैट आई विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम माई स्ट्रेंथ, आई विल स्टिल गो, आई विल डबल डाउन ऑन माई स्ट्रेंथ एंड आई विल ट्राई बिकॉज आई बिलीव अल्टीमेटली माई स्ट्रेंथ विल सी मी थ्रू. बट द की थिंग हियर, ही सेज द की थिंग इज, और वो कह रहा है कि अब 2020 क्रिकेट में सिर्फ यही है फॉर अ बोलर, इज दैट यू हैव टू एक्सिक्यूट 100% एवरी बॉल, यू हैव टू एक्सिक्यूट परफेक्टली, वरना अगर तुम 2-3 inches से भी मिस करो ना, यू कैन बी हिट फॉर 6. ही सेइंग कि उसमें कोई, वो कहते हैं कि सवाब का काम है बैटिंग, तो आजकल सवाब का काम है कि 2 छक्के आपको ऐसे लग जाएंगे, आपको एक्सिक्यूशन अपनी और एक्सिक्यूशन ही पे काम करना है. तो ही सेज कि मैं जो इतनी सारी लीग्स खेलता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, माय एम ऑलवेज इज जस्ट टू बी एबल टू, आप ये नहीं है कि यॉर्कर बुरी हो गई है या यॉर्कर वीक हो गई है या बाउंसर खराब हो गई है या ये स्लोअर बॉल अब आउट ऑफ फैशन चली गई, ये सब इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू एक्सिक्यूट टू 150% एक्यूरेसी, एंड इफ यू द मार्जिन ऑफ एरर, व्हिच यू नो वी नो इट एज कि द मार्जिन ऑफ एरर फॉर बोलिंग नाउ इज लाइक दिस, इट्स नथिंग, दिस जीरो मार्जिन फॉर एरर. तो वो कहता है कि अब वो ही एक चैलेंज है कि आपको एक्सिक्यूट करना है, और आपने किसी दिन अगर एक्सिक्यूट नहीं करा है फिर अल्लाह खैर है, यू नो. सो आई थिंक दैट चैलेंज काइंड ऑफ कीप्स हिम गोइंग इन सम सेंस. मे बी इट्स नॉट फॉर अदर बोलर्स, बट फॉर हिम आई थिंक दैट काइंड ऑफ कट थ्रोट थिंग, यार अगर यहां पर तुमने कोई गलती करी है ना तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी. दैट्स लिटरली लाइक हाउ ही ग्रू अप, राइट, वाज के यार मुझे बिल्ला टेनिस के खिलाफ यहां पे मुझे दो बाउंड्री से ज्यादा नहीं देना है. एक बाउंड्री उसने मार खाई थी उस ओवर में, बट एक से ज्यादा नहीं खाई उसने. He said कि मुझे I had to save two boundaries in that over, that was it. Two or under, nothing more.
And that was like, that is so, ultimate match situation T20 cricket. Defend 10 off this last over. Do it. And he did it as a 10-year-old. So he was born for it, really. And we were wrong for thinking that he's, you know, he's more. Is Manu there? Yeah. Sorry. Yeah. Can you hear me? I think this is a really fascinating segue. And usme do teen baatein samne aati. Ek, कि क्रिकेट के वो कुछ क्लीशेज हैं जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के हैं जो बिल्कुल भी T20 पे नहीं चलते, राइट? और एक जो बड़ा पुराना है कि वो बॉलर गेट्स हिट फॉर अ बाउंड्री एंड ही इज एंग्री एंड ही विल कम बैक इवन फास्टर एंड फलाना एंड निमकाना. और T20 में इस किस्म से, मतलब आप अगर आप इमोशनल हो रहे हैं एक बाउंड्री खाने पर, तो प्रॉबेबली यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू लास्ट वेरी लॉन्ग, राइट? लाइक एंड व्हाट आमिर इज saying, and that becomes, because cricket is like one of the things, excuse the tangents, but one of the things jo mujhe cricket aur NFL ke bare mein bahut pasand hai ki ye do badi unique sports hain where defending is a glamorous job. You know, in the NFL, like the guys who stop the quarterback jab bhi wo karte hain, they do celebrations and dances and they're famous and falana dumkana. And obviously same in cricket as well, bowlers are very sexy, etc. But ultimately, it's defending, right? Like, this is not attacking. Or jis tarike se Aamir baat kar raha hai T20 bowling ki, he's talking about that because he's coming from tape ball. And that's actually something jo mujhe ek bada dukh bhi hota hai ki, you know, again, you had commissioned Abid Hussain to do a history of how tape ball originated. Magar I feel like ki Pakistan mein bada, we're crazy ki we actually have the future of T20 cricket. Like, but you know, jahan pe agar aap baat kar rahe hain, Apex with the best players and tactics as the IPL. But if you want to talk about like where T20s will be in a little while, then you're talking about tape ball cricket. Because tape ball cricket mein jo ek do cheezein samne aati, like it's stripped down to like just the bare wo. And usme jo batter hota hai, wo bhi matlab, you know, he's really not looking ke main knock kar lun, single le lun, double le lun. There often their stances, everything is just to get a free swing. Aur usme jo bowlers hote hain, you know, they're coming in knowing ke hame matlab, you know, itne sare chakke wagaira padenge, but it's really if I can get him to miss wo billa tennis, agar do se zyada chakke nahi mare to hum match jeet jayenge. Aur wahan pe phir matlab wo karane ki bhi koshish, wo, you know, they're either going bouncers or they're going yorkers, very little in between. And jahan pe Aamir wohi baat kar raha hai ke matlab, you know, in one way for people like us who love test match bowling और बॉलिंग का जो वो एक पूरा, आप किसी को ट्रैप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ा गलीज लगता है कि बॉलर के पास दो ही ऑप्शंस हैं और वो दोनों ऑप्शन अगर 100 हिट नहीं करता है तो वो पिटेगा. बट एट सम लेवल, एक दफ़ा जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि इस फॉर्मेट में यही होगा, बैलेंस बैट एंड बॉल नहीं है, विच इज़ वेयर दिस स्टार्टेड फ्रॉम, देन यू नो व्हेन समवन लाइक आमिर इज, दैट्स वेयर इट प्रॉब्ली his smartness is coming in, ke he's accepted ki yahan pe ye nahi hone wala ki main jo hai wo maiden pe maiden karaun aur use, you know, off pe pakka karke andar ball la ke use out kar dun. That's not how this is going to go. And so more likely that if I land my wide yorker right 3 times in a row, it's likely that I'll get you know, maybe a dot ball or a wicket, which are probably I'll value equally. वो सोच जो आमिर की बदली हुई है, आई थिंक वही आपको ना ही सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट तो दूर की बात है, आई थिंक बैन अल-क़वामी क्रिकेट में भी बहुत कम लोग हैं हु आर एबल टू गेट देयर. एंड ऑब्वियसली एज अ सॉर्ट ऑफ फ्रेंचाइज मर्सनरी फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, ही इज इन अ बेटर पोजीशन देन मोस्ट टू अराइव एट दिस कंक्लूजन. यू नो, एंड वन ऑफ द थिंग्स आई रियली एंजॉय अबाउट T20s इज के आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी खत्म नहीं होती है उस गेम की. हर गेम में, हर नए गेम में आपकी एक और अंडरस्टैंडिंग. सो यू नो, लाइक द डिबेट अबाउट यॉर्कर्स इन T20s इज के यार चलो यॉर्कर अब इतनी इफेक्टिव नहीं हुई हैं जितनी अब रही हैं जितनी होती थी पहले. बट जस्ट टुडे इनफैक्ट आई थिंक वी पब्लिश एन आर्टिकल, मलिंगा इज टॉकिंग अबाउट द टू स्लिंगर्स इन द श्रीलंका टीम दैट ही इज वर्क्ड विद, दैट ही इज कोच्ड, दैट ही इज इफेक्टिवली प्रोड्यूस्ड, यू नो, पथिराना एंड तुषारा, who are, you know, two young Sri Lankans who are going to be a big part of their attack in the World Cup. And uski, you know, the understanding for, and they're great yorker bowlers. Like, they are very, very difficult to hit yorker bowlers. Magar, so then you think, yaar, inki yorkers kyun nahi
hit ho rahi hai. And the new understanding is, for at least it was for me, was ke, you know, the angle of release also makes a massive difference. If you are a slinger, like literally upside down frisbee type phek rahe hain, then your Yorkers are always going to be like, just all you have to do is land them right. You know, you'll always be more difficult. So I'm just saying, the point of this is the nuance us game mein, it's like, you know, I've said it before, I think it's always like you're peeling an onion. Hamesha aap peel karte hain, koi aur layer aata hai, uske andar koi aur layer hota hai, koi aur layer hota hai. So I'm talking about execution, these guys talking about like the angle of release of the Yorker. You know, Yorker's still a good ball. It just depends on who's bowling and when it's bowled and who it's bowled to. Otherwise, the Yorker is still a good delivery. You know, so these kind of things, I still like, they still kind of keep me going with T20 cricket. They keep me like fresh. In fact, that's the thing, right? Like, ye jo jumla hai, Yorker is still a good delivery. To uspe agar jo aapka jo do lafz hai, good delivery, to uspe ek cheez ye bhi samajhne ki hai ki क्रिकेट की जो बहुत सारी सोच एंड वॉज द राइट वे टू प्ले जब बना था, उस वक्त तो था कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है खेलने का, राइट? तो उस पर अहमियत फिर ये है कि आपने, अगर आप अभी आउट हो गए, सो यू आर वेस्टिंग लाइक पोटेंशियली, यू नो, एट द वेरी लीस्ट लाइक सेवरल डेज ऑफ बैटिंग. सो द फोकस ऑफ द गेम ऑलवेज वॉज दैट यू टेक आउट द रिस्क, और जहां पे रिस्क फ्री मौका है रन बनाने का, आप रन बनाए, वरना आप नहीं बनाए. वही सोच आगे ओडीआई वगैरह में, तो वहां पे अगर कोई बॉलर आपको, यू नो, लाइक यू डोंट रियली नीड एनीथिंग मोर देन 6 एन ओवर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम इन द गेम, मे बी 7 एन ओवर, व्हाटएवर, तो हाँ, उसने अगर दो यॉर्कर अगर आती, डोंट डू एनीथिंग टू इट, जस्ट ब्लॉक देम आउट, डोंट गेट आउट, यू स्टिल हैव इनफ टाइम टू मेक द रन्स. व्हेन यू गॉट टू T20s, जहां पे अब डेस्परेशन है कि नहीं, हमें 15 पर ओवर चाहिए, तो आई रियली कांट अफोर्ड टू ब्लॉक आउट द यॉर्कर्स, दैट्स वेयर यू वर फोर्स्ड टू इन्वेंट लाइक essentially take that risk, right? Or I feel that's one of those things that T20 mein, and modern batting mein, basically it was like, jaise jaise batters ko andaza hua ke, oh, I actually don't have to worry about risk as much as I do. Then, and uski sabse achhi misal mein khayal mein AB de Villiers hai. Like at some point, AB de Villiers kind of understood ki har shot ki mechanic, ek cover drive ki, ek loft ki, ek sweep ki mechanics kya hai. और फिर आप उसको डिसमेंटल करके वापस कैसे जोड़ सकते हैं. तो अगेन, लाइक, यू नो, अगर आप एक स्लिंगी एक्शन पे यॉर्कर करा रहे हैं, मे बी इन द पास्ट यू वर जस्ट लाइक यू हैव टू बी एट द स्टंप्स, हैव टू बी एट द स्टंप्स. नाउ इफ यू रियलाइज कि एक्चुअली आई कैन जस्ट फॉलो द बैटर, व्हिच मींस आई माइट इवन गो रियली वाइड, बट बिकॉज, एंड इन फैक्ट द वाइडर आई गो द मोर द स्लिंग इज प्रोनाउंस्ड, दैट्स बेटर फॉर माई डिलीवरी देन ट्राइंग टू हिट द स्टंप्स. सो यू नो के मतलब वो The understanding of what is good has changed because of the fact that A, batters now have to and can take, like, there's so many shots jo isliye nahi khelte, matlab, you know, ki agar aapne chakka mar diya, ab aap ek single le, kyun le rahe, kyunki why would you mit, like, increase risk over and over again? But when the risk isn't that great and the reward is more important, then now actually it makes more sense to keep hitting, you know, keep hitting six on every ball until you get out. Like, there's makes a lot of sense to bat that way, which again, jab ye game ki understanding ho gayi, yani ke bowler ko bhi yehi samajhna hoga ki theek hai, main 3 chakke ga lu, magar main agar use chauthi pe out kar dun, to, you know, inki chase yahi pe khatam ho jayegi. Yeah, absolutely. There was a great interview, I'm trying to think who it was with, it was Harshit Patel that we had done, in which he said exactly something like this, you know, that I could get hit for 3 sixes, but if I end up taking the wicket of the guy who hit me for 3 sixes, and this is the 15th over of the game, in that over, I've had a great over. Maine 18 run diye, but I've had a great over and I've made an impact, you know, in that. You know, one of the other things that that became really clear in this IPL, and again, you know, yeah, IPL mein impact player ka bahut bada fark pada hai. But I think one possibility that has been expanded again is that even in T20, aap ek bowler ke 4 over ka quota aap defend kar sakte ho. आप खेल लो उसे, आप उसे 4 ओवर में 28 रन उससे ले लो, यू नो, 7 रन इन ओवर ओनली, एंड यू कैन स्टिल हिट लाइक अ 220-230 टारगेट, बिकॉज दैट्स जस्ट हाउ मच लाइक द स्कोप हैज एक्सपेंडेड. यू नो, ये एक जमाने में राशिद खान के खिलाफ करते थे, जिस टीम में भी राशिद होता था, यू यूज टू काइंड ऑफ प्ले हिम आउट, गिव हिम 25 रन ऑफ 4, बट देन अगेंस्ट द अदर्स यू वुड मेक इट सो दैट यू रीच 200 और मे बी यू रीच 190, यू नो, एज अ गुड स्कोर. दिस ईयर व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपने बुमराह के 4 ओवर खेल लिए, या किसी और के 4 ओवर आपने खेल लिए सेफली, 7 रन एन ओवर, मे बी 8 एन ओवर, यू नो,
8 तो ज्यादा ही बात कर रहा हूं मैं बुमराह के ओवर से, बट यू कैन स्टिल हिट एज अ टीम, यू कैन स्टिल हिट T20 230 बिकॉज़ योर सीलिंग हैज जस्ट एक्सप्लोडेड दिस टाइम राउंड, यू नो. सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो, लाइक दीस आर डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग. टीम्स आर बैटिंग टीम्स आर सेइंग, हे लुक, डोंट वरी अबाउट द वन बॉलर, वी कैन प्ले हिम आउट एट 7 एंड ओवर, बट वी कैन स्टिल गेट टू 200 प्लस in our innings. You know, this kind of thinking is also coming into the game. I think the counterpoint or the counter tactic rather, वो उस पर आप वही होगा कि अगर आपको पता है कि आपका एक बॉलर है बुमराह है, राशिद खान है, सैमुअल बद्री, नारायण, व्हाटएवर दोस काइंड्स ऑफ बॉलर्स, और वो उसके चार ओवर पे अगले रिस्क नहीं ले रहे होंगे, तो दैट मीन्स योर अदर फोर बॉलर्स कैन एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट व्हाट देयर रोल इज, बिकॉज ए दे नो दैट ओके एवरीवन इज गोइंग टू बी ऑल आउट एट अस, बिकॉज हमारे ही 16 ओवर पे उन्हें सारे रन बनाने, एंड यू नो यू थिंक अबाउट योर मैचअप्स मोर स्मार्टली एंड व्हाटएवर, एंड ऑल ऑफ अ सडन लाइक you can have just one good bowler and four ordinary ones, magar unko agar aap sirf unki timing of when you're bringing them in can allow your bowling attack to be operate a lot better rather than agar aap wo traditional tarike mein ke chaha tumne bhi wicket leni hai tumhe tight rakhna hai ye rakhna hai rakhna hai, throw that out of the window, because wahi hai ki if you're bowling in tandem with Rashid aur aapko wahi teen chakke padne hain but aapne bhi wicket utha li hain, so you're destroying the other team because they're already, you know, like struggling against one guy or not being able to go against another guy, which, you know, like what the point I'm trying to make is that a different understanding of bowling, which is what we've been saying, allows you to approach T20 in particular completely differently. End of the day, aapko, you know, ek dafa jab aap ye apni soch badal le bowling ke bare mein, to uske baad aapki tactics line se le aapki team building mein bada fark aana shuru ho jata hai, because then you're not necessarily going out for quote unquote gun bowlers or whatever, you can stack them up differently and use it differently with the understanding ki yaar we're not baking a bowling attack which is going to be like ki aglo 150 ke niche hi rakhna hai aur wagaira wagaira, bowling mein hame padenge, but maybe instead of thinking how many runs we'll concede, this is how we'll think about इस फेज में ये बॉलर की ये गोल्स है, इस फेज में ये गोल्स है वगैरह वगैरह, सो दैट वी आर गिविंग आवर बैटर्स द बेस्ट चांस टू आइदर सेट अ विनिंग टोटल और चेज वन डाउन, यू नो, रादर देन बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल वाली, वो आप उसको निकाल ही दें अपनी सोच से. जो सोच बदलने की बात थी उस पे आई जस्ट वांट टू मे बी एंड एक्चुअली ऑन वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैवंट टच्ड ऑन इज दैट गैरी कर्स्टन हैड हिज फर्स्ट डे विद द पाकिस्तान टीम यस्टरडे. You know, he met up, he's left Gujarat Titans, he's come to Pakistan, England mein unke saath pehla din tha, but I had had like a chat with the team. I think he's had one session with them today or whatever, and tomorrow they're going to play on Wednesday at Headingley, but I think there's rain expected, so they might not get like a whole game or whatever. But the interesting thing came a few days ago. He spoke, he gave an interview to Talk Sport here, radio, and really interesting, actually. Like, I was pleasantly surprised in that he openly came out and said, wo Babar ki innings ke bare mein baat kar raha tha, jo Babar ne 75 or 47 Ireland ke khilaf mare the in the chase, I think. And he said that, you know, he said it in a really kind of sympathetic way also. He said, I want him to bat with that kind of freedom and liberation more. You know, that's the kind of innings that I want to bring out from him much more. So he's recognized पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर की, एंड ऑफ कोर्स ही वुड, इट डजंट टेक अ रॉकेट साइंटिस्ट टू रिकॉग्नाइज दैट, उसने रिकॉग्नाइज करा है कि टॉप ऑर्डर की इशू है, बट आई थिंक द वे ही फ्रेम्ड इट वाज कि यू नो उसके ऊपर वो अपने ऊपर बहुत प्रेशर लेता है, ही फील्स लाइक यू नो द टीम इज डिपेंडेंट ऑन हिम, व्हिच इज रियली इंटरेस्टिंग एक्चुअली, द बैटिंग ऑर्डर इज डिपेंडेंट ऑन हिम, बट दैट ही शुडंट टेक दैट प्रेशर, आई वांट टू रिलीव हिम ऑफ दैट बर्डन, यू नो इट्स नॉट फेयर ऑन हिम, उसने इस तरह से फ्रेम करा है दैट इट्स नॉट फेयर ऑन हिम, उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, वो जाके उसकी वो ज्यादती उसके खिलाफ कम करेगा या आसान करेगा वो ज्यादती जो उसके खिलाफ हो रही है. सो ही फ्रेम्ड इट, आई लाइक द वे ही फ्रेम्ड इट दैट आई वांट हिम टू बी अनबर्डनड अबाउट द फियर्स ऑफ द पाकिस्तानी बैट, यू नो बाबर की फियर होती है कि पावर प्ले में अगर दो विकेट गिर जाए तो फिर हमारे मसले चल रहे हैं, विच इज नॉट द केस, यू नो. सो ही वॉन्ट्स हिम टू बी फ्रीड फ्रॉम दैट बर्डन ऑफ कैरियंग द बैटिंग दैट आई थिंक बाबर कैरीज, एंड ही वॉन्ट्स हिम टू बैट with the liberation that he did in that inning. So, you know, this is the first time some coach has come in and openly recognized this. You know, off the record, we've heard people say it, ki haan, is tarah se karni chahiye, push bhi karne ki koshish kariye through various means in the past. This is the first time a coach has come out, incoming coach has come out openly on radio and said,
he should bat with the freedom that I just saw him bat with in that Ireland match. And it's unfair that the Pakistan team has to rely on him so much. He should bat without that burden. And I just found it a really interesting way of framing the thing. And maybe, who knows, you know, touch wood, I guess, for Pakistani fans that Kirsten brings out that side of Babar that we know, that we saw as recently as a couple of months ago, in the PSL. You know, maybe he brings out that side of him more often. अभी इतनी देर से हमने बॉलर्स के बारे में बात की, बट वही फिर बैटिंग में भी वही बात आती है कि यू हैव टू बी प्लेइंग लाइक एन एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स टू जस्टिफाई बैटिंग लॉन्ग इनफ टू गेट टू 50 और 100 इन अ T20 गेम, राइट? कि अगर आपकी यू नो वही गुड वे टू मेजर इट इज के मैच की एवरेज और आपकी टीम की एवरेज और स्ट्राइक रेट क्या आती है और आपकी क्या है वगैरह वगैरह. मगर एंड ऑफ द डे क्योंकि आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेज है और मुख्तलिफ किस्म की रिसोर्सेज है कि अनलेस एक बैटर है जो हर किस्म के बॉलर को पेल रहा है, लाइक यू रियली एक्चुअली डोंट नीड टू हैव एनीवन कैरियिंग, यू शुडंट बी स्ट्रक्चर्ड टू हैव वन पर्सन बैटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब वही है कि द फॉर्मेट इटसेल्फ इज सेइंग कि आई डोंट नीड यू टू बी प्लेइंग अ मैच विनिंग इनिंग्स. नो वन, इफ वन गाय इज प्लेइंग अ मैच विनिंग इनिंग्स देन probably something went wrong or something went extraordinary. क्योंकि जिस तरीके से वो सेटअप है, हर बंदा अगर आके 10 बॉलों पे 30 बना के चला जाए, इज अ लॉट बेटर देन यू नो प्लेइंग आउट ऑल 120 बॉल्स और व्हाटएवर. सो वो यू नो आई होप कर्स्टन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दैट वे. इट्स नॉट जस्ट कि यू मेंटली इट्स ग्रेट फॉर बाबर टू बी लिबरेटेड एटसेट्रा एटसेट्रा, बट ऑल्सो टैक्टिकली there's no need for one good batter the way there is in other formats. You know, so but the interesting thing is the framing is mental. That's what I mean. Yeah, 100%. Like, it's because that shows, I think that sends out a message that, look, I'm sympathetic to whatever you think the issue is. 100%, 100%. You know? And your worry is that, so let's work with that. Let's get you to think from that space. Tactically, baad mein aayega, but let's get you mentally relieved of that burden. हमने किसी ना किसी तरह 54 मिनट कर लिए हैं इस पॉडकास्ट के, जो हम दोनों को नहीं लग रहा था होगा, मगर वी हैव डन इट एंड वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह विद द यू नो व्हाटएवर पाकिस्तान डज इन इंग्लैंड एंड व्हाटएवर हैपेंस एल्सवेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट. टिल देन फ्रॉम उस्मान माय सेल्फ, बाय बाय.